हेलो एवरीवन, अंदर की नमस्कारम। कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक सब लोग बोलते हैं, बट इस श्लोक को असल में जिया है गामी की टीम ने। 5 साल से जिस पेशेंस के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ ये काम कर रहे हैं गामी में, इट्स अनबिलीवेबल। मैं पहली बार विद्या से मिला 2018 में, उसने मुझे बुलाया स्क्रीन टेस्ट के लिए। पहली बार जब मैं स्क्रीन टेस्ट के लिए गया, उसके मेरा स्क्रीन टेस्ट इतना अच्छा गया कि अगले 2 साल तक उसने मुझे कॉल ही नहीं किया। मुझे लगा यार ये तो मतलब उल्टा हो गया। उसके बाद सडनली ही कॉल्ड मी। उस समय वाइल्ड डॉग की शूटिंग कर रहा था, तब उसने बुलाया कि शूट करना है, एंड देन ही कॉल्ड। और मैं इसे बार बार स्टोरी पूछ रहा हूँ तो बोलता है बताऊंगा। मैं बोला स्टोरी क्या? हाँ बताऊंगा ना, ये सीन पढ़ ले पहले, ये सीन कर ले, उसके बाद ठीक है। और इतना मुश्किल था, शायद आप लोगों ने देखा, मैंने एक आंख में लेंस पहना था, तो वो मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है, तो मेरा लेंस ना हमेशा ऊपर चला जाता था। शॉट के बीच में माय लेंस इज गॉन, गायब हो गया, और सडनली शॉट के बीच में वो लेंस वापस मेरी आंखों में आ रहा है। इतना सेंसिटिव था। और मैं गामी के बारे में यही कहना चाहूंगा, गामी इज ट्रूली हैंडमेड फिल्म। मतलब हाथ से संजो के बनाई गई है, जैसे पॉटरी बनाता है ना, एक मटका जो बनाता है, वैसे इन्होंने हाथ से सेट डिजाइन किया, हाथ से कंस्ट्रक्ट किया है, और कॉस्ट्यूम हाथों से, मतलब सब कुछ, एक एक चीज। विद्या हो, चाहे कार्तिक हो, चाहे प्रवल्या हो, चाहे अनुषा हो, चाहे प्रत्युष हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, चाहे डीओपी हो, सब ने हर डिपार्टमेंट का काम किया है। और जो कन्विक्शन के साथ हम लोगों को समझाया, इट्स अनबिलीवेबल। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं गामी का हिस्सा बन पाया, और आई एम सो लकी कि अभी बैक टू बैक मेरी विश्वक भाई के साथ एक और फिल्म आ रही है, गैंग्स ऑफ गोदावरी। तो आई एम जस्ट हैप्पी, एंड दिल से संदीप भाई का वेलकम करता हूं। थैंक यू सो मच संदीप भाई। मैं असल में मुंबई से हूं, बट यहां पे आके जिस तरीके का फैन का इंटेंसिटी है यहां पे, जैसी आप लोगों की एनर्जी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि नेक्स्ट स्पीच मैं पक्का तेलुगु में दूंगा, डेफिनेटली। सो फाइनली गामी 8 मार्च कच्चितंगा वेल्लाली चूड़ाली एंड बिग ब्लॉकबस्टर अव्वाली, इज इट राइट? यो, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन 8 मार्च। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच मयंक। मेरे माटलाडना కొన్ని వర్డ్స్ కూడా ఏదో తెలుగు రాకుండా మాట్లాడినట్టు అనిపించలేదు, సో నెక్స్ట్ వెయిట్ చేస్తా।